गाइस ये वीडियो जो है ये फ्रंट फेसिंग कैमरे से बन रही है Redmi Note 9 Pro के, तो कुछ इस तरह से। सो गाइस रिसेंटली मैंने Redmi Note 9 Pro की अनबॉक्सिंग किया था और एज पर योर डिमांड आज मैं आप लोगों के लिए ये फुल कैमरा टेस्ट लेके आ चुका हूँ Redmi Note 9 Pro का। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज अ फुल कैमरा रिव्यू ऑफ दिस Redmi Note 9 Pro। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो स्मार्टफोन में पीछे चार कैमराज मिलते हैं, जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, उसका अपर्चर f1.8 है, ये सैमसंग का GM2 सेंसर है। उसके बाद हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जिसका अपर्चर जो है f2.5 है। अभी चलो हम लोग एक एक करके फोटोज देख लेते हैं। सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं डे लाइटिंग से। तो ये जो फोटो है गाइज ये मैंने डे लाइटिंग में खींची है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इवन आफ्टर जूमिंग इन काफ़ी अच्छी डिटेल्स वगैरह प्रिजर्वड है। तो हाँ मैं बोलना चाहूँगा कि फोटो काफ़ी अच्छी है, इवन डिटेल्स डायनेमिक रेंज वगैरह भी काफ़ी बेटर लग रही है। उसके बाद अभी नेक्स्ट फोटो पे मूव करता हूं तो गाइज ये क्लोजअप शॉट है, तो ये जो पार्ट है गाइज ये सब नेचुरल ब्लर है और काफ़ी अच्छे से फोटो आई है। थोड़ा जो कलर है वो थोड़ा डल लग रहा है, मतलब थोड़ा और सैचुरेटेड होना चाहिए था, आई पर्सनली फील दैट, बट ओवरऑल फोटो काफ़ी ठीक ठाक आई है मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पिक्चर है गाइज ये और भी ज़्यादा क्लोजअप है और डे लाइट में ली गई है, थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है और इधर पे थोड़ी नॉइजी है, बट ओवरऑल पिक्चर काफ़ी ठीक ठाक है। तो हाँ डे लाइटिंग में आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो, जैसे कि ये पिक्चर है गाइज़, तो डेफिनेटली आप लोग डे लाइट में अच्छी पिक्चर ले सकते हो, डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं, GM2 सेंसर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है शाओमी को, क्योंकि गाइज़ ये पार्ट देखो, ये जो पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा ब्लूइश हो गया होना चाहिए ग्रेइश, तो ये डेफिनेटली मैटर करता है। उसके बाद अगर हम लोग डायनेमिक रेंज की बात करें तो गाइज़ ये फोटो मैंने खींची थी डायनेमिक रेंज के लिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर सूरज है और ये पार्ट काफ़ी डार्क है, सो ओवरऑल डायनेमिक रेंज ओके है। मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि इधर पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है Xiaomi को, तो Xiaomi यू शुड इंप्रूव द कैमरा ऑफ योर फोन एंड द सॉफ्टवेयर। उसके बाद गाइज़ अभी मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड की, ये नॉर्मल फोटो है और ये अल्ट्रा वाइड मोड से खींची हुई है, तो गाइज अल्ट्रा वाइड का पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़बरदस्त है और इवन डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा कलर शिफ्ट भी नहीं गाइज, ये नॉर्मल फोटो है और ये उसका, तो ज़्यादा कलर शिफ्ट भी नहीं है, बट ओवरऑल पिक्चर अल्ट्रा वाइड की काफ़ी अच्छी आई है। ये सेकंड अल्ट्रा वाइड की पिक्चर है गाइज और मुझे ये पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे गाइज आप लोग देख रहे हो ये आसमान में पूरा नीला है और बहुत ही अच्छी पिक्चर आई है गाइज, ये देखो यहाँ पे चील उड़ रही है, तो मतलब मुझे पर्सनली ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये भी पिक्चर एक अल्ट्रा वाइड से खींची हुई थी, डिस्ट्रॉशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, आई मीन बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा लेकिन है डिस्ट्रॉशन काम भर का, जैसे कि आप लोग ये पार्ट में देख रहे हो इधर पे थोड़ा डिस्टॉर्ट लग रही है इमेजेस, बाकी ओवरऑल पिक्चर काफ़ी अच्छी है गाइस, डायनेमिक रेंज तो बहुत ही अच्छा है। सो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हम पोर्ट्रेट मोड की तरफ मूव करते हैं, तो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे हो पोर्ट्रेट मोड तो काफ़ी अच्छे से काम करता है, एज डिटेक्शन वगैरह देखे जाए तो एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा जो इमेज है ना वो एकदम अलग, ऐसा लग रहा है कि बोलते ना लट वगैरह अप्लाई किया, फिल्टर वगैरह अप्लाई किया, बट कोई फिल्टर नहीं है, थोड़ा सा जो कलर्स है स्किन टोन्स है वो थोड़ा सा वार्म साइड में है, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। तो हाँ लेकिन फोटोज़ काफ़ी अच्छी आई है, डिटेल वगैरह भी काफ़ी अच्छी गई, इवन जूम करने के बाद भी डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छी है मैं ये बोलना चाहूँगा, और इवन एज डिटेक्शन वगैरह भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लूज़ करता है गई, जैसे कि ये बाल का पार्ट देखो गायब हो गया है, बट ओवरऑल आई कैन सी दैट डेफिनेटली एज डिटेक्शन वगैरह पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे से काम करता है, कलर सैचुरेशन स्किन टोन्स भी ठीक ठाक है, थोड़ी सी मुझे स्किन जो थोड़ी सी पिंक होती ना और तो ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब इंडियंस को ज़्यादा वैसा पसंद आता ना। उसके बाद गाइज इसमें एक 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड है जो कि ये है, तो इसके अंदर हम जूम कर सकते हैं फोटो को, देखो गाइज इतना ज़्यादा जूम होता है, तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ ये 48 मेगापिक्सल वाला जो डेडिकेटेड मोड है ये डेफिनेटली वर्क करता है। और एक और मैंने ये फोटो खींची थी, ये भी 48 मेगापिक्सल वाला मोड से लिया हुआ है गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग डेफिनेटली इस मोड में फोटो खींच के क्रॉप कर सकते हो या फिर प्रिंट करना है तो डेफिनेटली ये मोड में पिक्चर आप ले सकते हो और क्रॉप या फिर बड़े साइज में प्रिंट कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल लूज नहीं होगी। उसके बाद गाइज मैक्रो की बात करूँ तो मैक्रो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है इसका गाइज, ये मैक्रो पिक्चर है देखो, ये देखो ये छोटा सा कीड़ा है यहाँ पर और वो भी परफेक्टली विजिबल है और ये सब पार्ट का जो मतलब बट इससे हुआ है, और ये गाइज एक डाल कटी हुई है इसकी मैंने फोटो निकाला हूँ, गाइज क्या फोटो आई है ज़बरदस्त, और बहुत छोटा पार्ट था, मतलब ये बड़ा नहीं है काफ़ी छोटा था वो डाल, तो भी इतनी अच्छी फोटो आई है। तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि ये जो मैक्रो सेंसर है गाइज ये बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग डेफिनेटली ये मैक्रो सेंसर ट्राई करना अगर ये फ़ोन लोगे तो। उसके बाद गाइज अगर हम इंडोर लाइटिंग की बात करें तो इंडोर लाइटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैमरा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये सारी फोटो इंडोर लाइटिंग में मैंने खींची है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ये फोटो थोड़ी शार्प हो गई है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ी वार्म्थ भी है फोटो में और थोड़ी शार्प है, थोड़ा सा नेचुरल रहता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता,
बट ओवरऑल आई कैन से दैट डेफिनेटली बहुत अच्छा कैमरा है, इवन इंडोर लाइटिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है गाइज। जैसे कि ये है वाइड एंगल लेंस, और वाइड एंगल लेंस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। थोड़ा ये भी वार्म है, जैसे कि येलो देख रहे हो, ये थोड़ा कम येलो है एक्चुअल में देखेंगे तो, बट इसमें ज़्यादा येलो कर दिया इसने, बट ओवरऑल पिक्चर इज़ क्वाइट गुड डेफिनेटली। ये नॉर्मल मोड है और ये अल्ट्रा वाइड मोड है, तो अल्ट्रा वाइड मोड डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है इवन इन इंडोर लाइटिंग सिचुएशन। थोड़ा नॉइज दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल आई कैन से दैट डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑफ दिस फोन। उसके बाद गाइज ये लो लाइटिंग की पिक्चर है, और लो लाइट में तो मतलब इंप्रेसिव पिक्चर लेता है ये गाइज। देखो जरा मतलब नॉइज़ नाम की चीज़ ही नहीं, मतलब है ऑब्वियस ही बात है, लेकिन नॉइज़ का लेवल बहुत कम है, और मतलब जो स्मजनेस होती है ना, अगर डिजिटली नॉइज़ रिमूव करते तो स्मजी हो जाती पिक्चर, वो नहीं हुआ है। और ओवरऑल पिक्चर मुझे लो लाइट की पिक्चर तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है रेडमी नोट 9 प्रो से। ये भी गाइस पिक्चर लो लाइट में खींची हुई है, तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इसका कैमरा, मतलब मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है गाइस। ये देखो मतलब अब बहुत ज़्यादा अब फ्लैगशिप लेवल तो नहीं करेगा, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाइस। लो लाइट का ये भी कैमरा है, मतलब अल्ट्रा वाइड से खींचा है मैंने लो लाइट में, तो लो लाइट में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आते हैं, ये देखो इधर पर डिटेल वगैरह गायब हो जाती है, बट स्टिल गाइस 13,000 रुपये का फ़ोन है गाइस, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका बहुत अच्छा काम करता है इवन इन लो लाइटिंग सिचुएशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हो सब कुछ प्रॉपरली विजिबल है, बट बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा पोस्टराइजेशन हो गया है, बट स्टिल मैं ऐसा बोलूँगा नहीं कि बहुत बुरा है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा गाइज। ये भी फोटो देख लो, ये तो बहुत ही मतलब ऊपर का पार्ट ये तो गंदा एकदम पूरा ग्रेन से भरा हुआ है। सो उसके बाद एकदम लो लाइट की बात करें तो गाइज़ ये एकदम लो लाइट की पिक्चर है, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो मैंने उसके बाद लो लाइट में मतलब जो नाइट मोड है उसमें फ़ोटो लिया हूँ, लेकिन एक छोटी सी लाइट चालू थी। ये पिक्चर में बिल्कुल भी लाइट नहीं चालू थी, ये पिक्चर जूम करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता। अभी ये पिक्चर में एक छोटी सी लाइट चालू थी, तो उसके बाद मैंने नाइट मोड में लिया है, तो इसने और उजाला करके फ़ोटो लिया। लेकिन गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी मतलब ठीक ठाक पिक्चर आई है, मैं ऐसा डेफिनेटली बोलूँगा कि काम चला सकते हो आप लोग नाइट मोड में पिक्चर लेके। अभी उसके बाद अगर हम वीडियोस की बात करें तो गाइस ये सब वीडियोस है, आप लोग एक बार देख लो आपको समझ में आ जाएगा। गाइस ये 4K 30fps की वीडियो है, और रेडमी नोट 9 प्रो के रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन डायनेमिक रेंज वगैरह, इधर पर सूरज है तो कुछ डायनेमिक रेंज इस तरह से दिखती है, और मैं अगर फोकसिंग की बात करूँ तो फोकसिंग कुछ इस तरह से होती है। फोकसिंग काफ़ी फास्ट है 4K 60fps की, आई मीन 4K 30fps में ये वीडियो बन रही है, तो इसमें काफ़ी फास्ट फोकसिंग कर रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। हाँ ये ऑटो फोकस था गाइज, ये वीडियो 1080p 60fps पे शूट हो रही है रेडमी नोट 9 प्रो के रियर कैमरा से, तो कुछ इस तरह से वीडियो बनती है गाइज देख लो। और स्टेबलाइजेशन वगैरह देख लो, ये है डायनेमिक रेंज का टेस्ट, ये सूरज है यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फोकसिंग की बात करूँ तो ऑटोमेटिक जो फोकस है वो काम ही नहीं करता एक्चुअली, बराबर से मेरे को टैप करके फोकस करना पड़ता है। तो हाँ अगर आपको 60fps में वीडियो शूट करनी है तो फोकसिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको टैप करना ही पड़ेगा फोकस करने के लिए। गाइस ये जो वीडियो है ये 1080p 30fps में रिकॉर्ड हो रही है रेडमी नोट 9 प्रो के रियर कैमरे से, तो कुछ इस तरह से वीडियो बनती है गाइस। स्टेबलाइजेशन वगैरह भी देख लो क्योंकि मैं चल रहा हूँ। और डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो ये सूरज है गाइस, तो आपको एक डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। भाई तभी शाम का टाइम हो रहा है तो हाँ उस बात को याद रखना। और अभी फोकस की बात करूँ तो फोकस भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, 30fps में फोकस काफ़ी अच्छे से काम करता है, बट 60fps में मूव करने के बाद फोकस की स्पीड स्लो जाती है। बाकी ये ओवरऑल 30fps की मेन कैमरे से रिकॉर्डेड फुटेज, अभी अल्ट्रा वाइड में ले लेते हैं। गाइज ये जो वीडियो है ये अल्ट्रा वाइड से शूट कर रहा हूँ मैं 1080p 30fps में रेडमी नोट 9 प्रो के बैक कैमरे से, तो कुछ इस तरह से वीडियो बन रही है गाइज। अगर मैं दिखा दूँ तो पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़बरदस्त है, देख रहे हो ये सूरज है यहाँ पर, तो आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि डायनेमिक रेंज किस तरह से आती है। अल्ट्रा वाइड मुझे काफ़ी पसंद है, तो हाँ इसलिए मेरा एक मैं कह सकता हूँ फेवर भी है, मतलब एक क्या बोलते हैं बायसनेस भी आ जाती है। बट हाँ और फोकसिंग की बात करूँ तो गाइज़ ये फिक्स्ड फोकस लेंस है, तो पूरा जो फ्रेम है वो पूरा फोकस में रहता है, और मैं जो आवाज़ है ये भी इसी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। बाय द वे अगर इस फ्रेम में मैं फोटो वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ही अच्छी बनती है कि नहीं। सो गाइज़ ये जो वीडियो है ये मैं मैक्रो से शूट कर रहा हूँ, अगर मैं नज़दीक जाऊँ किसी चीज़ के तो गाइज़ माँ की आँख क्या रावस दिख रहा है गाइज़, जैसे कि देखो क्या फोकस किया क्रिस्टल पे, बहुत ही अच्छा गाइज़ बहुत ही सही, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हो। सो गाइज हम लोग बात करते हैं फ्रंट कैमरे की पिक्चर्स की, तो ये सेल्फी मैंने डेलाइट में लिया है, और डिटेल्स वगैरह देखो गाइज आप लोग लिटरली मेरे बाल गिन सकते हो, जो दाढ़ी और मूंछ के बाल है तो बहुत अच्छी डिटेल्स है मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा। लेकिन स्किन टोन्स बहुत ज़्यादा पेल कर दिया, मतलब वाइटिश कर दिया है, इतना ज़्यादा मुझे वाइटिश नहीं पसंद है, थोड़ा सा और बोलते ना वो थोड़ा मैजेंटा पिंकिश कलर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब एक्चुअल जो स्किन का कलर है ना वो कलर नहीं आया, थोड़ा वाइट हो गया। और ये पिक्चर देखो ये भी डेलाइट में, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा पोस्टराइजेशन मतलब ग्रीन ही लग रहा है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर मुझे काफ़ी पसंद आई। पीछे का पार्ट ये देखो थोड़ा ब्लोन आउट है, तो डायनेमिक रेंज थोड़ा
मतलब वर्क करने की जरूरत है डायनेमिक रेंज के मामले में, बट ओवरऑल आई कैन से दैट डेफिनेटली पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आते हैं इवन फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा गाइज। ये देखो ये भी नॉर्मल डे लाइट में ली गई पिक्चर है, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा गाइज की डिटेल लेवल काफ़ी अच्छी है ये कैमरे की। उसके बाद गाइज ये पोर्ट्रेट मोड में खींची हुई पिक्चर है, तो पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा काम करता है इवन दो फ्रंट में सिर्फ सिंगल कैमरा है, फिर भी पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा काम करता है। इवन एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा गाइज, देखो बाल व्हील काफ़ी फोकस में रखा है, काफ़ी ऐसा कहीं पर ज़्यादा कट विट नहीं है, तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये भी पोर्ट्रेट मोड में खींची हुई पिक्चर है, नाइस वर्क रेडमी। ये सब आउटडोर पिक्चर थी, अभी हम लोग इंडोर में मूव करते गाइस, तो इवन इन इंडोर लाइटिंग सिचुएशन अब मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन मत देखो, मैं गुस्से में था नहीं, मैं एक्चुअली खाली था मुंह बना रहा था, बट स्टिल गाइस फोटो काफ़ी अच्छी आई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो डिटेल लेवल्स भी काफ़ी अच्छी है, मतलब थोड़ा ओवर शार्प लग सकती है अगर एक नज़र में देखो तो, जैसे आप लोग इधर देख रहे हो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगेगा कि मतलब ओवर शार्प है, थोड़ा ग्रेनी है, बट स्टिल गाइज तो ओवरऑल कैमरा काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा स्किन टोन्स पे काम करने की ज़रूरत है। देख रहे हो थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम येलोइश टोन और क्या बोलते हैं उसको वाइटिश टोन आ गई है, मतलब उतनी मुझे पसंद नहीं है। और ये पोर्ट्रेट मोड है बाय द वे, तो ये देखो ये ईयरफोन का पार्ट गायब है, तो हाँ एज डिटेक्शन पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ये जो पार्ट है ना गाइज ये एकदम अजीब है, देखो ये जो पार्ट है ना ये पूरा येलो आई मीन ब्लू है, लेकिन इसने स्किन समझ के उसके ऊपर भी कलर कर दिया, मतलब ब्यूटी जो मोड है उसकी वजह से शायद। बट ये सब सेल्फीज़ है गाइज, ये एकदम लो लाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये लो लाइट में सेल्फी है, तो एकदम मतलब ऐसा पेंट की भी सेल्फी लग रही है, तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही फोटो जैसे कि आप देख रहे हो, तो लो लाइट में है डेफिनेटली सफ़र करता है कैमरा। ये देखो ये भी लो लाइट की पिक्चर है, ये भी लो लाइट की पिक्चर है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि लो लाइट में इतनी अच्छी सेल्फीज़ वगैरह नहीं आती है गाइज। ये वीडियो जो है ये फ्रंट फेसिंग कैमरे से बन रही है रेडमी नोट 9 प्रो के, तो कुछ इस तरह से वीडियो बनती है गाइज। डायनेमिक रेंज देख लो, ये मेरे पीछे सूरज है, ये इधर सूरज है, तो कुछ इस तरह से वीडियो वगैरह बनती है गाइज। और स्टेबलाइजेशन वगैरह भी देख लो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ बस तो इतना मेरे चलने पर तो आपको स्टेबलाइजेशन समझ में आएगा, और थोड़ा क्रॉप है तो ये चीज़ एक मैटर करती है। सो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये है कि गाइज 13,000 रुपये में कैमराज काफ़ी अच्छे हैं इसके, लेकिन इससे अच्छे मैं कहना चाहूँगा कि रियलमी 6 के कैमराज है। तो अगर आप लोगों को दोनों का कंपैरिजन देखना है तो इधर आई कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कौन सा कैमरा बेटर है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इस फ़ोन में गूगल कैमरा रिव्यू बनाऊँ, मतलब जी कैम डाल के इस फ़ोन का रिव्यू करूँ गूगल कैमरा कैसा काम करता, तो आप लोग डेफिनेटली बताओ, तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बस गाइस इतना ही बोलना था, ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आपका मेन मोटिव कैमरा है ना, तो थोड़ा और दूसरे फ़ोन्स को देख लो, बट आप डेफिनेटली ये फ़ोन को ट्राई कर सकते हो, कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली, आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो ये फ़ोन भी, और वीडियो में तो बहुत सारी फीचर्स दिए हुए। सो बस गाइज इतना ही बोलना था मेरे को इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मालूम पड़ जाए इस फ़ोन के बारे में। और गाइज मेरे चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी दबा दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोज मिलते रहे। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।